अगर आप इस समय दुनिया के टॉप स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो उसमें नंबर वन पे फुटबॉल आता है, जिसको 3.5 बिलियन यानी कि 350 करोड़ लोग देखते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे क्रिकेट आता है, जिसे 2.5 बिलियन यानी कि 250 करोड़ लोग देखते हैं। फुटबॉल शुरुआत से ही बहुत फेमस खेल रहा है, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है। वहीं क्रिकेट के साथ ऐसा नहीं है, पहले क्रिकेट 6-6 दिनों तक चला करता था और उसके बाद भी कोई भी रिजल्ट नहीं आता था, जिसके चलते क्रिकेट यूरोप, अफ्रीका, यूएस, कनाडा में ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। पर अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जब से क्रिकेट में T20 फॉर्मेट की शुरुआत हुई है, तब से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है और क्रिकेट कई देशों में फेमस हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आने वाले 10 सालों में क्रिकेट फुटबॉल को हरा के दुनिया का नंबर वन स्पोर्ट बन पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले दोनों स्पोर्ट्स को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि कौन सा स्पोर्ट किस फील्ड में दूसरे से आगे है। जहां फुटबॉल को 212 देशों में खेला जाता है, वहीं क्रिकेट को 108 देशों में खेला जाता है। फुटबॉल के 3.5 बिलियन फैन हैं, वहीं क्रिकेट के 2.5 बिलियन फैन हैं। अटेंडेंस की बात करें तो अब तक का हाईएस्ट अटेंडेंस वाला क्रिकेट मैच 2022 का आईपीएल फाइनल मैच था, जिसमें 101,566 लोग आए थे। वहीं फुटबॉल में हाईएस्ट अटेंडेंस वाला मैच 1950 के फीफा वर्ल्ड कप था, जिसमें लगभग 2 लाख लोग आए थे। पर फिर उसके बाद जब टेलीविजन आया, फुटबॉल की अटेंडेंस कम हुई है। अभी रिसेंट टाइम में हाईएस्ट अटेंडेंस वाला फुटबॉल मैच 2014 में मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के बीच खेले जाने वाला मैच था, जिसमें 109,318 लोग आए थे। तो अटेंडेंस के मामले में फुटबॉल क्रिकेट से आगे है। पर माना जा रहा है कि 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, उसका फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये हाईएस्ट अटेंडेंस वाला क्रिकेट मैच हो सकता है, क्योंकि इस स्टेडियम की फुल कैपेसिटी 1,32,000 लोगों की है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो 2021 में आईसीसी का एक्सपेंस $96 मिलियन था और आईसीसी ने 2021 में $432 मिलियन का रेवेन्यू अर्न किया था। वहीं 2021 में फीफा का एक्सपेंस $286 मिलियन था और रेवेन्यू $766 मिलियन था। दोनों स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप को कंपेयर करें तो 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के समय आईसीसी का एक्सपेंस $184 मिलियन था और आईसीसी को रेवेन्यू $602 मिलियन का हुआ था। वहीं 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के समय फीफा का एक्सपेंस $2.3 बिलियन था और फीफा का रेवेन्यू $4.6 बिलियन था। वहीं इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अब तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। कतर ने इस वर्ल्ड कप में $220 बिलियन खर्च कर दिए हैं। इससे पिछले वाले वर्ल्ड कप में $11.6 बिलियन खर्च हुए थे, जो रशिया ने होस्ट किया था। इस बार के वर्ल्ड कप से फीफा कम से कम $7.5 बिलियन का रेवेन्यू कमाएगा, जो कि ऑल टाइम हाई होगा। 2018 के वर्ल्ड कप में फीफा ने $6.4 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया था। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप यूएस, कनाडा और मेक्सिको में होना है, तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप से फीफा ने $10 बिलियन के रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है। तो देखा जाए रेवेन्यू और एक्सपेंस में फुटबॉल क्रिकेट से बहुत आगे है। जहां क्रिकेट का रेवेन्यू मिलियंस में है, वहीं फुटबॉल का रेवेन्यू बिलियंस में है। इसके अलावा अगर आप दोनों खेलों की प्राइस मनी को कंपेयर करोगे तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की प्राइस मनी विनर की $4 मिलियन थी और रनर अप की $2 मिलियन थी, वहीं अगर हम इस साल के फीफा वर्ल्ड कप की प्राइस मनी की बात करें तो विनर को इस वर्ल्ड कप में $42 मिलियन मिलेंगे, क्रिकेट की प्राइस मनी से 10 गुना ज्यादा। वहीं सेकंड प्लेस वाली टीम को $30 मिलियन मिलेंगे। लीग्स की बात करें तो इसमें क्रिकेट कुछ मामलों में फुटबॉल से आगे है, आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि ब्रांड वैल्यू, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स अगर स्पोर्ट्स लीग्स की वैल्यू की बात करें तो नंबर वन पे यूएस की लीग NFL आती है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $13 बिलियन है। दूसरे पे MLB है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $10 बिलियन है। तीसरे पे NBA है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $7.4 बिलियन है। फोर्थ पे IPL है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $6.3 बिलियन है। और फिफ्थ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $5.3 बिलियन है। तो ब्रांड वैल्यू के मामले में IPL प्रीमियर लीग से आगे है। इसके अलावा अटेंडेंस में भी IPL फुटबॉल की लीग से बहुत आगे है। जहां IPL के पर मैच की एवरेज अटेंडेंस 58,000 है, वहीं जर्मनी की बुंदेसलीगा की एवरेज अटेंडेंस 43,449 है और प्रीमियर लीग की एवरेज अटेंडेंस 38,168 है। आप इस फिगर में टॉप पे अमेरिकन फुटबॉल देख रहे होंगे, तो देखो अमेरिकन फुटबॉल ये होता है, तो इससे फुटबॉल से कंफ्यूज मत हो जाना। तो देखा जाए IPL अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, फुटबॉल की टॉप लीग्स को कुछ मामलों में हरा दिया है और कुछ मामलों में टक्कर दे रहा है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स फुटबॉल लीग्स की 13 टीम्स की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें बार्सिलोना की वैल्यू $4.7 बिलियन है। वहीं क्रिकेट में सिर्फ IPL की 7 टीमों की वैल्यूएशन
1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। मुंबई इंडियंस की वैल्यू 1.3 बिलियन डॉलर है। तो देखा जाए आईपीएल फुटबॉल की सभी टॉप लीग से अकेला टक्कर ले रहा है, जबकि आईपीएल में टीम्स भी कम है और मैचेस भी कम होते हैं। जहां फुटबॉल की लीग में 20 से 30 टीम होती है और मैचेस 380 से 400 के बीच होते हैं, वहीं आईपीएल में सिर्फ 10 टीम होती है और मैचेस 70 से 72 होते हैं। और इससे एक बात साबित होती है कि आईपीएल T20 क्रिकेट की जान है, T20 क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग है, उसी तरह क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है। आईपीएल में टीम खरीदने के लिए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बिडिंग की थी, तो इस चीज से आप आईपीएल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। देखो, स्पोर्ट्स से इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई और स्पोर्ट्स हो, पर सबसे ज्यादा फायदा फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने से होता है। आपको क्या लगता है कि कतर ने सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए 200 बिलियन डॉलर क्यों फूंक दिए? कतर ने 10 बिलियन डॉलर तो न्यू स्टेडियम को बनाने और पुराने स्टेडियम को रेनोवेट में खर्च कर दिए, बाकी का 210 बिलियन डॉलर कतर ने एयरपोर्ट, रोड, हाईवे, होटल्स, रेस्टोरेंट और अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने में खर्च कर दिए। 36 बिलियन डॉलर तो कतर ने दोहा में अंडरग्राउंड मेट्रो को बनाने में खर्च कर दिए। अब आप बोलोगे कि कतर कितना बेवकूफ है, इतना फालतू का पैसा क्यों खर्च कर दिया है, इतना पैसा थोड़ी ना कतर फीफा वर्ल्ड कप से कमा लेगा। तो देखो, कतर ने बहुत लंबा खेल खेला है। कतर को पता है कि इस समय ग्लोबल लेवल पे सिर्फ कतर छाया हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप से कतर में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जहां कतर में एवरेज फॉरेन टूरिस्ट हर साल 5 से 6 लाख आते थे, वहीं फीफा वर्ल्ड कप के चलते कतर में 1.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए हैं। कतर 2030 तक हर साल एवरेज 6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहता है और 2030 तक अपनी जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 12% तक करना चाहता है। कतर अपने आप को यूएई की तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, वो सिर्फ ऑयल एंड गैस पे निर्भर नहीं होना चाहता है। कतर चाहता है कि उसके यहाँ भी फॉरेन टूरिस्ट आए, कतर में इन्वेस्ट करे और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करे। तो इसी के चलते कतर ने 220 बिलियन डॉलर फीफा वर्ल्ड कप पे खर्च कर दिए। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप से सिर्फ कतर का टूरिज्म बूस्ट नहीं हो रहा है, पूरे गल्फ रीजन का टूरिज्म बूस्ट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट से भी इकॉनमी को बहुत फायदा होता है। जब 2019 में इंग्लैंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तब उससे यूके की इकॉनमी को 350 मिलियन पाउंड का फायदा हुआ था। नेक्स्ट ईयर 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, तो क्रिकेट से इंडियन इकॉनमी को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल की है। आईसीसी ने एक सर्वे कराया था और बताया था कि वर्ल्ड में 90% क्रिकेट फैंस तो आपको इंडिया में ही मिलेंगे। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस से भारत की टूरिज्म सेक्टर को बहुत फायदा होता है। आईपीएल के टाइम भारत में ट्रेवलर की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। कई बार लोग खासतौर से मैच के लिए अपना टूर प्लान करते हैं। मैचेस के चलते होटल बुकिंग की डिमांड भारत में बढ़ जाती है और वीकेंड्स में तो पूछे ही मत। तो 2023 में भारत में आईपीएल और वर्ल्ड कप दोनों होना है, तो इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। आइए आप जानते हैं कि क्या आने वाले 10 सालों में क्रिकेट वर्ल्ड का नंबर वन स्पोर्ट बन सकता है या नहीं। तो अगर हम अभी के हालात देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में क्रिकेट फुटबॉल को कई मायनों में पीछे कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। वर्ल्ड कप में टीम्स को भी बढ़ाया जा रहा है, क्रिकेट में एसोसिएट मेंबर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस समय आईसीसी को कुछ आइडियाज पे काम करना चाहिए, जैसे कि T20 क्रिकेट को यूरोप, अफ्रीका, एशिया, आसियान और अमेरिका में एडवर्टाइज करना चाहिए और क्रिकेट की जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं उनसे हेल्प लेना चाहिए और अगल बगल के रीजन में क्रिकेट को और फैलाना चाहिए। जैसे कि यूरोप रीजन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हेल्प ले ले, वाइट वाइट का इन्फ्लुएंस होगा। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे की हेल्प ले ले, ब्लैक ब्लैक से कनेक्ट हो जाएगा। एशिया और आसियान कंट्री में इंडिया की हेल्प ले ले, अमेरिका में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज की हेल्प ले ले। इसके अलावा अमेरिका में लोग बेसबॉल खेलते हैं, बेसबॉल और क्रिकेट एक जैसा ही है, बस खेलने का तरीका अलग है। तो अगर आईसीसी सही से T20 क्रिकेट को एडवर्टाइज करे तो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इसके अलावा आईसीसी को पूरी कोशिश करनी होगी कि क्रिकेट 2028 के ओलंपिक्स में शामिल हो जाए। अभी इस समय ये डिस्कशन चल रही है कि 2028 में कौन कौन से स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स में ऐड किया जाएगा। 2028 का ओलंपिक्स यूएसए में होना है, तो यूएस में होने वाले ओलंपिक्स में अगर क्रिकेट शामिल हो जाएगा तो इससे क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी और बहुत सी कंट्रीज क्रिकेट से जुड़ना भी चाहेंगी। इसके अलावा आईसीसी को वर्ल्ड कप में नंबर ऑफ टीम्स को और बढ़ाना होगा, बड़ी टीम्स को एसोसिएट टीम्स के साथ T20 सीरीज खिलानी होगी। इससे क्रिकेट में कंपटीशन इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। जैसे कि इस बार के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितने अपसेट देखने को मिले, छोटी टीम्स ने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया, इससे छोटी टीम्स को कॉन्फिडेंस भी मिला है और वहां पे क्रिकेट भी पॉपुलर हुई है। इसके अलावा लीग्स में मुझे नहीं लगता है कि कुछ करने की ज्यादा जरूरत है। आने वाले 10 सालों में आईपीएल 100% फुटबॉल की सभी लीग से बहुत आगे निकल जाएगा, इस मामले में मुझे कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है कि क्रिकेट को कैसे नंबर वन स्पोर्ट्स बनाया जाए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।